अभी हाचे स्टेशन से वापस हम कामागुरे स्टेशन आए और अब हम जा रहे हैं हाची मांगू, 800 साल पुराना जो मंदिर है, श्राइन बहुत फेमस है यहाँ पे, श्राइन हाँ। वो देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कामागुरा ट्रिप का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको बताई थी कामागुरा की बहुत ही फेमस शॉपिंग स्ट्रीट कोमाची दोरी, वहीं से बाय वॉक जा रहे हैं यहाँ पे कामागुरा के बहुत ही फेमस और ओल्ड श्राइन में, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे आपको श्राइन और एनोशिमा आइलैंड के कुछ ब्यूटीफुल ग्लिम्स दिखाने वाली हूँ और कुछ फेमस टूरिज्म स्पॉट। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे ये वाली राइड भी ले सकते हैं। हाँ, हाथ गाड़ी। ये हाची मांगू, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो है ना और ग्रीनरी यहाँ पे देखने लायक है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी सुंदरता है। तो कामागुरा का ये बहुत ही फेमस श्राइन है जो कि सिटी के सेंटर में है और बहुत ही बड़े एरिया में है ये। इसमें 3 एंट्रेंस गेट हैं और टूरिस्ट के लिए बहुत ही वंडरफुल स्पॉट है ये, जहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं। और इस श्राइन की कुछ स्पेशलिटीज़ है, जैसे यहाँ पे कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको पेड़ दिख रहे होंगे, ये गिनको ट्रीज हैं जो कि 1000 साल पुराने हैं। और यहाँ पे इस श्राइन में वेडिंग वेन्यू भी है। वहाँ पे ऊपर जाएंगे हम लोग अभी और ये नीचे श्राइन, और यहाँ की ब्यूटी देखने लायक है। यहाँ पे सब उनके भगवानों के हाथ जोड़ के कैसे कैसे डाल के ऐसे थालियाँ ठोक के उनके सामने शीश झुका के दर्शन करते हैं, जापानीज़ ट्रेडिशन। और ये अभी एक्चुअल श्राइन ऊपर है। यस, यहाँ से एंट्रेंस हो चुका है मंदिर का। इधर का भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यहाँ की ग्रीनरी के साथ लेते हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे। हाँ, यहाँ की ग्रीनरी के साथ जो ये श्राइन है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, यहाँ पे लक चेक कर रहे हैं, लक चेक करने अपना डॉगी भी आया हुआ है। ये है लक वाला का ना, ये भी कुछ उसी का ही है, ये कुछ अपनी होने का ही वगैरह है। और अगर मतलब रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्ट वगैरह जो भी है ना वैसे लिख, अच्छा विश मतलब एज अ विश मतलब। तो अब हम जा रहे थे ऊपर टेरेस पर और यहाँ पे भी कुछ श्राइन बने हुए थे। और लिटरली यहाँ पे आके ना ऐसा नहीं लग रहा था कि आप श्राइन में आए हो तो बोर हो जाओगे, इस टाइप से कुछ भी नहीं लग रहा था। बहुत ही अच्छा व्यू था देखने लायक। और यहाँ का जो श्राइन है ना, जापान के सामुराई कल्चर से कनेक्टेड है, तो इसका आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर लग रहा था, देखने का मन कर रहा था। और यहाँ पे ना थोड़ा सा हिल्स पे एक इनारी श्राइन बना हुआ था जिसमें बहुत सारे जापानीज तोरी गेट्स थे, तो यहाँ पे भी टूरिस्ट जो है फोटोशूट करने में लगे हुए थे। कितनी ठंडी प्यारी हवा चल रही है। यहाँ पे जापानीज ट्रेडिशनल स्टाइल में एक पॉन्ड बना हुआ था जिसमें बहुत सारी फिश और आसपास बहुत सारे बर्ड्स थे। यहाँ का व्यू भी ऑसम था, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर यहीं पे बैठ के थकान मिटाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, दिन भर ट्रैवल किया तो थक चुके थे और ऊपर से इतने रश में, इतनी भीड़ में गोल्डन वीक पर। तो यहाँ पे फिर हम कुछ देर बैठे, हमने बर्ड्स के लिए खाना लिया, उनको फीड करवाया। फीड करवाते टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था, किसी भी बर्ड्स या एनिमल्स को फीड कराना तो एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस मिलती है। तो बस वो हैप्पीनेस यहाँ पे मिली हमको, तो हमने थोड़ा यहाँ पे रेस्ट किया, बैठ कर इंजॉय किया और फिर आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। देखो कितनी भीड़ है यहाँ हाची मांगू श्राइन में, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, कितने सारे लोग हैं, बाप रे बाप। और हम इधर से आ रहे हैं, हम ये हमारा हाची मांगू हो गया। आज एक्चुअली हमारे साथ ये हो रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं ना वहाँ कम भीड़ रहती है, हम आते हैं जैसे ही और भीड़ बढ़ जाती है। ऐसा है। नहीं यहाँ एग्जिट होते ही, हमारे एग्जिट होते ही भीड़ बढ़ने लगती है।
तो अगेन हम आ गए फुजीसावा स्टेशन, यहाँ से जाएंगे इनोशिमा आइलैंड जो बहुत ही फेमस है। और यह स्टेशन पे रश तो आप देख सकते हो, पूरा स्टेशन फुल था, बट ट्रेन में बैठने के बाद जब बाहर का व्यू देखा तो ऑसम। इसी जगह पर हमें जाना था तो चलो चलते हैं। अभी स्टेशन से फाइनली हम उतर गए हैं और अब बीच की तरफ जाएंगे। तो हमारा लंच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, अब करेंगे। लंच टाइम बहुत बिगड़ गया है, 3 बज गए हैं। और अभी हमने यहाँ से पानी खत्म हो गया था हमारा, तो वाटर बॉटल खरीद लिया है। और क्या है, ओचा। ठीक है चलो। और देखो यहाँ पे ऐसे रोड पे बिल्कुल चलती है ट्रेन, एनोदेन, जिसमें हम अभी ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये री वो एनोदेन, ये देखो रोड पे ही बिल्कुल चल रही है। ये और बहुत छोटी है ये, और हम इतने ज्यादा थक चुके हैं ना, अब हमको लंच करने का टाइम भी नहीं मिला। लिटरली बता रहे कि गोल्डन वीक पर नहीं आना चाहिए, ऐसी जो फेमस प्लेसेस है वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लास्ट टाइम हम इवाते गए थे, इवाते में अच्छा था। नॉर्थ प्लेस में लोग जाते नहीं है, जाते ही नहीं है, तो कोई भी नहीं थे, बहुत ही कम। मुझे पता नहीं लेकिन लोगों की मेंटेलिटी खतरनाक है, जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ जाते हैं। और यहाँ कामाकुरा में तो आपने देखा होगा बहुत भीड़ थी। हम आ चुके हैं बीच के पास, देखिए तो फाइनली अब हम आ चुके हैं इनोशिमा के बीच पर। ये आपको नजारा दिखा देते हैं पीछे का कैमरा। बैठे बैठे मेरा भी मन नहीं हुआ तो मैं आ गई हूँ, सर्दी जरूर हो गई है, बट फाइनली बीच पे आ गए हैं इनोशिमा। सर्फिंग करने वाले दिखाते हैं, ये देखो हमारे पीछे सर्फिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखो एक बीच के किनारे मस्त सोए मट थेरेपी ले रहा है। और यहाँ से जो दिख रहा है इनोशिमा सी कैंडल, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ स्पेशली लोग सनसेट और माउंट फूजी का व्यू देखने जाते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन डेक से, बट हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था। और वैसे भी ये विंटर इल्यूमिनेशन यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, तो विंटर्स में आएंगे कभी यहाँ पे। हम लोगों ने जहाँ से व्यू देखा सनसेट का और माउंट फूजी का, बहुत ही प्यारा सा व्यू, मैंने इंस्टाग्राम पे भी लाइव चलाया था, अगर वहाँ पे आप लोगों ने नहीं देखा हो तो अब हम लोगों के साथ चलिए और इंजॉय करिए। वहाँ माउंट फूजी के साथ सन दिख रहा है, माउंट फूजी ये यहाँ पर है, ये रहा। अभी थोड़ा हाँ सनसेट होगा तो अच्छा विजिबल होगा, और इधर माउंट फूजी और ये है, और इधर मैं आपको दिख रहा हूँ कैंडल हाउस है, और इधर हाँ और हवा बहुत चल रही है तेज, और इधर है बीच, और इधर नहीं इधर मून है, वो मून कितना सामने, और फिर इधर ये है। ये देखो वो कैंडल है सी कैंडल, और इधर है माउंट फूजी और होता हुआ सनसेट, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। अभी लोग यहाँ पे सनसेट का वेट कर रहे हैं, थोड़ा वो टाइम है, फिर बहुत अच्छा वो सब लोग बैठ गए अपनी जगह लेके। तो ये हम है ना इधर की साइड आ चुके हैं और यहाँ पे बैठ चुके हैं। Thank you.
का डे खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं घर। अभी भी कुछ अच्छी चीजें जो भी हमको दिखेगी स्टेशन पे भी या फिर जो भी वो दिखाएंगे आपको। स्टेशन का नजारा दिखाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है देखो। यह है काता से इनोशिमा एक ही, बहुत सुंदर लग रहा है। कितना हाँ ये स्टेशन है, ऐसा स्टेशन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। हाँ, इस डिजाइन में ट्रेडिशनल स्टाइल में। हाँ, हाँ। वो पूरा जिंजा और ओतेरा के स्टाइल में दिया है। हाँ ये फ्रंट से दिखाते हैं। ये फ्रंट ही है। हाँ ये फ्रंट। बहुत सुंदर एक ही है। और यहाँ पे इनोशिमा एक्वेरियम है, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, तो ये एक्वेरियम के लिए बना रखा है। तो ये अंदर स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और ये पूरा ड्रैगन स्टाइल में कुछ दिख रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। बहुत सुंदर स्टेशन है काता से इनोशिमा। और यह ट्रेन हमारी लगी है, यह फास्ट ट्रेन हमारी लगी है।